हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर भी करें साथ में। सो आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू जो DSSSB ने एक नया नोटिस निकाला है रिगार्डिंग द TGT पोस्ट। कौन सी पोस्ट के बारे में है ये? TGT पोस्ट कोड है 5421 जिसके बारे में ये नोटिस निकाला है। क्या नोटिस है? देखो, जो पोस्ट कोड 5421 है वो TGT संस्कृत मेल के लिए है। ये जो नोटिस निकाला है वो 21 तारीख को निकाला है, ठीक है, राइट, 21/4/22 को निकाला गया। तो जो TGT पोस्ट कोड 5421 जैट इज TGT संस्कृत मेल के, उनको पहली अपॉर्चुनिटी दी गई थी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की फ्रॉम 5 अप्रैल टू 14 अप्रैल, राइट। अब उनका ये सेकेंड एंड फाइनल रिकॉल नोटिस आया है, सेकेंड एंड द फाइनल अपॉर्चुनिटी TGT संस्कृत मेल को दी जा रही है, ओके, अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जो उनका पोर्टल है वो 26 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगा और 30 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा। मतलब 4 दिन का समय दिया जा रहा है TGT संस्कृत मेल्स को अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट जो है उनको सबमिट करने के लिए। ऐसे टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट हैं, उनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, प्लस उनका क्या डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। तो ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। अगर आप इस बार डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी चाहे कोई भी रीजन हो। देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, फेलिंग ऑफ कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन ऑन व्हाटसोएवर ग्राउंड, ठीक है। कोई भी रीजन हो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। एक अपॉर्चुनिटी आपको पहले वो दे चुके हैं फर्स्ट रिकॉल नोटिस में, डेट इज 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। अभी आपको दोबारा से 4 दिन का समय दिया जा रहा है अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट्स जो हैं, जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करने के लिए, ईडीओजेड कंप्लीट करने के लिए, राइट। ऐसे टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं। देखो यहाँ पे रोल नंबर है, जो इन कैंडिडेट ने सीटेट क्वालिफाई किया है 85 मार्क्स से और अंडर द रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी कैटेगरी, बट अप्लाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी हैज कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट विदाउट रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये देखो, इस तरह की गलती आप ना करें, ध्यान से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो वो ध्यान से देखें, ओके। तो ये सब आपका मेंशन है जो भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है। सो ऐसा भी टोटल 20 कैंडिडेट्स है, उनको फाइनल और सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो कि 26 से 30 है। जो पोर्टल एक्टिव होगा वो 26 तारीख को हो जाएगा, राइट, और पोर्टल जो एक्टिव होगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिनके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है। जिनके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट नहीं है उनका पोर्टल एक्टिव नहीं होगा। सो जो ईडोजियर का लिंक है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड अबाउट जो 20 कैंडिडेट्स हैं इनके ही एक्टिव होगा 5 दिन के लिए, ओके, 26 तारीख से 30 तारीख तक, ओके। सो अपना ध्यान से जो भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है वो सबमिट कर दे, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो, कोई भी आप रीज़न नहीं दे सकते हो इसका, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका रीज़न अगर आपने अपना ईडोजर कंप्लीट नहीं किया। सो जल्दी से जल्दी अपना ईडोजर कंप्लीट कर देना, टाइमली कंप्लीट कर देना, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज DSSSB नोटिस। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।